mind-blowing experience and I feel top of the world. हमारे साथ जो शख्सियत हैं बहुत ही ख़ास हैं और हमारे नहीं बहुत लोगों के दिल के करीब हैं. आप हैं CA पीयूष अग्रवाल साहब, जो कि डॉक्टर पवन अग्रवाल साहब जो कि इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर हैं, उनके बड़े बेटे हैं आप. ये हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं और आज जिस तरीके से 100 बच्चों के बीच में जिस तरीके से गूगल ड्राइव की लॉन्चिंग हुई है, ये बधाई के पात्र हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू. आपका टोटल प्रेजेंटेशन एक इंटरनेशनल था और आने वाले समय में कहते हैं ना कि प्राउड टू बी एन इंडियन, और हमारा देश ऐसे ही नहीं विश्व गुरु बन रहा है आप जैसे होनहार लोगों की वजह से. अगर टीचर ऐसे हों तो डेफिनेटली स्टूडेंट राइज करते हैं, आगे बढ़ते हैं. चाली तो मैं करता हूँ, AGI से जुड़ा हुआ हूँ करता हूँ, लेकिन इनका जो प्रेजेंटेशन था बच्चों के लिए ये मुझे बहुत भाग गया है. और यकीन जानिए कि आने वाले समय में कई सारे अकाउंटिंग्स के प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होंगे. ये बहुत खूबसूरत हाईटेक क्लासरूम दिया जा रहा है इनकी तरफ से और पूरा परिवार बधाई के पात्र हैं. मैं डॉक्टर साहब को भी बधाई देता हूँ, छोटे वाले आकाश अग्रवाल साहब को और इंटायर फैमिली को. किसी तरह भैया का सपोर्ट करते रहें. एंड CA पीयूष अग्रवाल ने जो कर दिया है वो एक हिस्टोरिकल मोमेंट है. थैंक यू एवरीवन. नमस्ते दर्शकों, मेरा नाम है CA पीयूष अग्रवाल. माय क्वालिफिकेशन में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और प्रोफेशन से मैं एक टीचर हूँ. तो आज हमें बहुत गर्व है कि आज चांदी जी हमारे इंस्टीट्यूट में आए हैं या हमने हाईटेक क्लासरूम बनाया है और आज हमने हमारे अकाउंट्स के गूगल ड्राइव के सेशंस लॉन्च किए हैं 12th के मानसा बोर्ड्स के बच्चों के लिए. तो दोस्तों ये एक क्लासरूम है, बहुत यूनिक है. चांदी जी को बहुत अच्छा लगा, मैं आपको उसकी खासियत कुछ बताना चाहूँगा कुछ ही मिनटों में. जैसे दोस्तों पहले के ज़माने में ऐसा हुआ करता था, जब हम भी बच्चे पढ़ते थे, जब हम स्टूडेंट्स थे, तो हमारे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड ग्रीन बोर्ड यूज़ किया करते थे, ग्लास के बोर्ड्स थे, डस्टलेस चॉक्स आए, उसके बाद व्हाइट बोर्ड्स आए. व्हाइट बोर्ड्स पे टीचर्स हमारे मार्कर से यू नो पढ़ाते थे, अकाउंटिंग के प्रॉब्लम सॉल्व करते थे. अब जाके धीरे धीरे टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व हुआ है कि अभी हमारे पास ये पैनल है. ये पैनल मतलब टच स्क्रीन पैनल है, ये है कुछ नहीं, प्रॉपर कंप्यूटर है. इतना ही है कि ये टच स्क्रीन है, इसके ऊपर पेन से लिखा जा सकता है. इसका बेनिफिट क्या है ना अकाउंट्स में, जैसे मैं अगर व्हाइट बोर्ड पे पढ़ाऊँ ये कॉलम्स करूँ तो बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है कि ये कॉलम्स को मैं नोटबुक में कैसे उतारूँ, लाइन कहाँ ड्रॉ करूँ कहाँ नहीं करूँ. तो हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मेट को पूरे अकाउंटिंग के फॉर्मेट को स्कैन करते हैं, उसका PDF कॉपी बना के इस वन नोट में इंपोर्ट करते हैं. अब मेरे पास ये कॉपी आ गया, अब बच्चे को पता है कि लाइन कैसे ड्रॉ करना है. बच्चे को ये पता है कि ऊपर से 3 लाइन छोड़नी है, फिर यहाँ पे 2 लाइन यूज करनी है, यहाँ पे 2 लिखना है, यहाँ पे अमाउंट लिखना है. और जब मैं पढ़ाता हूँ बच्चों को, मैं हर एक क्वेश्चन इस पे सॉल्व करता हूँ, हम सॉल्व करते हैं, और मेरे को भी यहाँ पे लिख पाता हूँ मैं आराम से. जैसे मैं 5000 अमाउंट लिखना है तो मैंने लिख के बताया. जब मैं बच्चों को बोलता हूँ तो लिखता हूँ 2 ऐसा लिखो और बाय ऐसा लिखो, लाइन ऐसी ड्रॉ करो, जब टोटल लेंगे नीचे 2 लाइन आनी चाहिए ऊपर सिंगल लाइन. तो ये सारा प्रेजेंटेशन का प्रॉब्लम बहुत जो होता था पहले वो सॉल्व हो गया, बच्चों को डाउट ही नहीं आता. दूसरा बेनिफिट ये है दोस्तों, ये पैनल है, कंप्यूटर है, वो होने की वजह से यहाँ पे गूगल भी है, सर्च इंजिन है, तो कुछ कॉन्सेप्ट्स का हम लाइव एग्जांपल दे सकते हैं. जैसे कुछ बच्चों को अगर ये समझ रहे हैं कि टूल्स इक्विपमेंट्स क्या होते हैं, तो हम टूल्स इक्विपमेंट्स पे क्लिक करेंगे तो सामने इमेजेस आ जाते हैं. इमेज देख के बच्चा समझ जाता है, अच्छा टूल्स इक्विपमेंट्स मतलब वो इक्विपमेंट्स, वो सामान जो फैक्ट्री में यूज होता है. तो ये हमारे बिजनेस के लिए एसेट है, प्रॉपर्टी है. तो ये पोस्टिंग बच्चा समझ पा रहा है पैनल अकाउंट्स का विद द हेल्प ऑफ दिस पैनल. तो ये टेक्नोलॉजी इतना इवॉल्व हुआ है, इसका बेनिफिट है, तो हम ये लोगों तक पहुंचा रहे, बच्चों तक पहुंचा रहे, उनको बहुत मजा आ रहा है समझ कर. ये एक एस्पेक्ट हो. दूसरा एस्पेक्ट मैं आपको बताऊंगा कि ये हमने ऐसे डिस्प्ले बोर्ड्स बनाए हैं. ये डिस्प्ले बोर्ड्स का हेल्प क्या है ना, इसके मदद से बच्चों को कनेक्ट होता है और बच्चों को चीजें याद होती है. जैसे ये आप देखेंगे, ये बहुत ही बढ़िया चीज है. यहाँ पे मैंने क्या प्रेजेंट किया, बच्चों को ये बोलना चाहता हूँ कि जब आप अमाउंट लिखते हो तो राइट अलाइनमेंट से लिखिए. राइट से लिखने का फायदा क्या है, टोटल यहीं पे कर सकते हो. कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऐसे बीच में लिखेंगे, लेफ्ट में लिखेंगे, टोटल नहीं हो पाता है. अब इसका टोटल करेगा कैसा बच्चा, और टोटल नहीं हो पाता तो लास्ट में टैली नहीं होता है. तो कुछ चीजें ऐसी है, बहुत सिंपल है, बस अपने को आदत बनानी है. तो ये बार बार बच्चों को सामने रोज दिखेगा और एक हैमर करेगा कि हाँ भाई मेरे को प्रेजेंटेशन इंप्रूव करना है. यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्शन मैंने बनाया, जैसे डेटर्स है, डी से हम लोग ऐसा डी बनाते हैं, तो डी एक्शन से डेबिट बनता है, मतलब बोलते हैं आने वाला है. तो ये ऐसा एक्शन हमने किया है, तो वो सारा बच्चों को रेफर हो रहा है. यहाँ पे है, आप देख सकते हो वहाँ पे सामने भी ऊपर है रूल्स ऑफ अकाउंटिंग. ये रूल्स ऑफ अकाउंटिंग, ये जो रूल्स है अकाउंटिंग के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. पूरा अकाउंट जीसी पे बेस्ड है, तो हमने हर डिवीजन में ये लगाया हुआ है, क्योंकि बच्चों को ये याद होना ही चाहिए. बोलते हैं जैसे ABCD के बिना इंग्लिश नहीं होता, वैसे ये रूल्स के बिना अकाउंट्स नहीं होता. उसके बाद हमने ये एक बुक शेल्फ रखा है. ये बुक शेल्फ में हमने काफी सारी बुक्स रखी है, जैसे एक USP ये बुक का है. ये बोर्ड पेपर के सॉल्यूशंस है, जो बच्चों ने बोर्ड एग्जाम्स में पेपर सॉल्व किए थे और जिनको टॉप नंबर आए, जैसे एक स्टूडेंट को अकाउंट्स में 100 of 100 मिला था, उसका एक्चुअल पेपर का जेरोक्स कॉपी है.
ये देख के बच्चों को ये पता चलता है, अरे तो हम लोग भी अगर ऐसा सॉल्व करेंगे तो हमको भी बोर्ड्स में पूरे नंबर मिल सकते हैं। तो किसी को डरने की बात नहीं है और एक कॉन्फिडेंस और एक मोटिवेशन बना रहता है। अगला इंपॉर्टेंट और बहुत मजेदार पॉइंट है वो हमारे साउंड पैनल है, जिसे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे आके बता सकते हो दर्शकों को कि ये साउंड पैनल है। ये साउंड पैनल में हमने कुछ साउंड इकट्ठा किए हैं। हम इसमें क्या करते हैं, जैसे जब मैं बच्चों को क्वेश्चन पूछता हूँ तो कुछ बच्चे बहुत अच्छा आंसर करते हैं, तो उनको मोटिवेट करने के लिए मैं यहाँ पे अप्लॉज का बटन दबाता हूँ। आप टाइयों का आवाज़ सुनते होंगे, तो ये टालियों से बच्चों को बहुत आनंद आता है, अरे यार सर ने हमारी टाली बजाई। जब कोई बच्चा मस्त आंसर देता है, मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट फोकस करना है, तो मैं ड्रम बजाता हूँ। हमारे कॉमर्स में अकाउंट्स में ना सबसे बड़ा प्यारा मोमेंट होता है जब अकाउंट्स टैली होता है। वो टाइम पे जो खुशी होती है बच्चों को, दिवाली से कम नहीं होती। तो वो टाइम पे जब हमारा अकाउंट्स टैली होता है तो हम ये विक्ट्री का आवाज़ बजाते हैं और सेलिब्रेट करते हैं। तो ये एक छोटा सा हमारा इनिशिएटिव है। हम ये चाहते हैं कि जो आजकल की पीढ़ी, आजकल के बच्चे हैं, वो मजे लेकर पढ़े, वो स्ट्रेस में नहीं पढ़े, उनको बोर नहीं हो, और अगर कोई भी चीज़ में इंटरेस्ट आ जाना तो वो करने में मज़ा ही लगाता है। तो हम बस इंटरेस्ट डेवलप करने का कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी छोटी सी इनिशिएटिव है, छोटी सी इच्छा है, बस उसी में हम लगे। बस आपका साथ और सहयोग चाहिए। हम आशा करते हैं कि ये मैसेज हम बहुत आगे तक लेके जाए और दुनिया में बहुत सारे क्लास वाले, कॉलेजेस वाले ऐसे ही हाईटेक क्लासरूम को बनाए और बच्चों को बहुत इंटरेस्ट से पढ़ाए। बस थैंक यू सो मच। इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? चार्ली सर का सबसे खास बात, जैसे आज हमने देखा ना, हम टीचर है, हम जानते हैं कि बोलने का महत्व क्या है, बट ये कैरेक्टर ऐसा है, ऐसे है जो बिना बोले बहुत कुछ कह जाते हैं। दोस्तों आज यकीन नहीं मानोगे, 2 साल से पैंडेमिक चल रहा था, पूरा ऑनलाइन सिस्टम चल रहा था, बच्चे पढ़ नहीं पाए, कॉलेज क्लास नहीं जा पाए, पर और इतने टाइम के बाद आज अचानक हमने गेस्ट अपीयरेंस रखा था, हमने बच्चों को बताया नहीं कि कौन आने वाले हैं। आज मैंने सुबह थोड़ा सा हिंट दिया, इंट्रोडक्शन दिया, तो मुझे सर कुछ लोगों ने पूछा, अच्छा नहीं जो सर आएंगे वो सच में पूरा मेकअप करके आएंगे, वो चार्ली जैसे दिखेंगे, वो ऐसा करेंगे, वो वैसा करेंगे। बट जब सर ने एंट्री किया और सर ने जो माहौल बनाया है वो इतना मज़ेदार था, सच में बहुत अच्छा लगा हमको और यादगार रहेगा ये, क्योंकि आज सर के हाथों से हमने गूगल ड्राइव की कीज बच्चों को दी है। तो गूगल वो जो लेक्चर की कीज है वो पूरे सर के हाथों से हमने बच्चों को बांटी है। तो ये हमारे लाइफ में यादगार मोमेंट होगा। हमारे इंस्टीट्यूट में फर्स्ट टाइम हमने ड्राइव लेक्चर्स लॉन्च किए हैं, तो दिस विल बी रियली अमेजिंग। ये बहुत कॉस्टली तो नहीं होगा ना प्योर जी? नहीं, बिल्कुल कॉस्टली नहीं है सर, ये एक्चुअली है 5,000 का। हमने तो हमारे बच्चों को फ्री में दिया है, क्योंकि बच्चा फीस भर रहा है तो उससे और एक्स्ट्रा पैसा हम नहीं लेना चाहते, तो हम चाहते हैं उसको एक सर्विस मिले। बाकी जिसको अगर सिर्फ गूगल ड्राइव लेक्चर्स चाहिए तो सिर्फ 5,000 में उसको पूरा एक्सेस मिलता है साल भर के कोर्स का, विद टेस्ट सीरीज, विद डाउट सॉल्विंग, एवरीथिंग।